अच्छी परीक्षा दी आई है जिसके लिए सब दी जाए। गुरु प्यारी सत्संग विच वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बालक प्रीतम नूरे गाय धन धन गुरु नानक पातशाह की अठवीं जोत श्री गुरु हरिकृष्ण साहिब जी के आगमन गुरु गुरुदिया आप समूह संतान को बहुत बहुत बधाई जी। गुरु पातशाह का जीवन विलक्षण जीवन है। दुनिया के इतिहास के भगत के बहुत छोटी उम्र बड़े हुए हैं जिन्हों बताए आप गुरबाणी में भी पढ़ते हाँ। राम जपो जी ऐसे ऐसे त्रोपला जप्योवर जैसे पांच पांच वर्ष की अवस्था में योजे भगत हुए थे पर गुरता गति में संभालने वाले विश्व इतिहास में पांच साल की अवस्था में केवल तो केवल बालक प्रीतम जिन्हों का आगमन गुरपुरब आप अज हर्षोल्लास नाल मनाया तो सेवा दिवस के रूप में मनाने की रिवायत है सिख जगत में। इस गुरपुरब को सेवा दिवस के रूप में मनाने की रिवायत है। सत्संग जीओ इतनी छोटी अवस्था के इतने बड़े पद भार को संभाल लेना इतने गल सत्संग जीओ ना तो उम्र की है ना किसी होर चीज की है इतने जोत नानक की टिकी है। धन धन गुरु नानक पातशाह की जोत टिकी है जिथे गुरु नानक पातशाह निरंकारी रूप जोत टिकी हो सत्संग उम्र का तराजा की हो बेशक वड्डे पुराने ने इतराज किया औरंगजेब तक शिकायत पहुंचाई है तो गुरु पातशाह जदों गुरता गद्दी बख्श दिती गई है पिता गुरु महाराज जी द्वारा तो सत्संग जीओ औरंगजेब को कहा गया है कि इतनी छोटी अवस्था के विच कोई गुरु नहीं बन सकता तो नाल ही सत्संग जीओ यह भी कहा कि मैं वड्डा पुत्र हाँ इस नाते इस गुरता गद्दी ते मेरा अधिकार है मेरा हक है इतने हक की तो गल है ही नहीं तखत से उ बैठे जरा तखत के योग है कि गुरु नानक पातशाह की पावन बाणी का अभ्यास क्योंकि गुरु बाणी में गुरु पातशाह ने आप ही हिदायत कर दी है। गुरु नानक पातशाह की सेवा दे आए ने भाई लहना जी तो सत्संग पुत्र के गुरु नानक पातशाह भी दो तो सन उन्होंने तो गुरता गद्दी नहीं ना बख्शी वो जोत किस हिरदे में टिक सकती है वो सेवा करके वो पाड़ा कितना उज्जवल ते निर्मल हुंदा होवेगा जिस विच गुरु नानक पातशाह की जोत ने टिकना है ते सत्संग जो समय ने अपनी करवट ली है ते सतवें पातशाह ने भी अपने वड्डे पुत्र नूं गद्दी ना देती छोटे पुत्र नूं देती है क्योंकि आप सारे जानते हो राम राय जी ने औरंगजेब के दरबार के करामाता दिखाईया वो करामाता दिखाना जिसके प्रथाएं गुरु पातशाह ने हिदायत करके भेजा से उसे किसी तरह की कोई करामात नहीं दिखाई हम सत्संग जी नाल ही क्योंकि यह घर अलमी का घर है इतने उस वाहेगुरु की बख्शिशा सदके जो भी प्राप्ति हुई है उस वाहेगुरु का शुक्र शुक्र करना है। पिता गुरु की आशीष लैके तो गए ने राम राय जी पर उत्थे जाके उन्होंने रंग ढंग जी इस कदर रंगीज गए करामाता दिखाया शुरू कर दिया वो करामाता भी शायद गुरु पातशाह मुआफ कर देंगे पर जो पावन पंक्ति को जो है बदलिया है ना मिट्टी मुसलमान की बैठे बेकुमार कुमार को मिट्टी बेईमान की कह के अपने रसूख को कायम रखने के लिए कि हूँ तक जो मेरा दबदबा बनया है इसते औरंगजेब से वो किधरे ना गवाच जाए तो फिर सासवी जो इस गल का पता गुरु हर राय साहब जी सतवें पातशाह लगे है तो उन्होंने कहता साढ़े सामने आने की भी लोड़ नहीं कौन पिता होगा कि जो अपने पुत्र को ही कह दे कि सामने आने की ही लोड़ नहीं पर गुरु हर राय साहब जी ने गुरु नानक घर की मर्यादा को कायम रखते हुए ऐसा किया। फिर सत्संग जी इतनी छोटी अवस्था के बीच गुरु हर राय साहब जी की 31 साल की उम्र से जो आप ज्योति जोत सवाए तो हर पक्षों योग समझ के इतने इतने ध्यान में जुड़ जाते सन ये बाला प्रीतम उस अकाल पुरख वाहेगुरु के उस
सस नजो ते पिता जी ने यह भी हिदायत कर दी सी कि दुनिया के इस समय जो बादशाह है उसका किसी तरह भी किसी तरह का भी उसके नाल कदे मुलाकात ही नहीं करनी, उसको दर्शन ही नहीं देने। हुण सस नजो जदों राम राय ने कहा औरंगजेब ने बुलाया पर गुरु पातशाह ने इनकार कर दिता है। हुण सत्संग जो फिर संगतां उत्थों दीआं गुरु पातशाह ने दीदार करना चाहते हैं दिल्ली दी संगतां। हुण संगतां ने जदों कहते उस समय चिट्ठियां आदि सन तो उन्होंने गुरु पातशाह इनकार नहीं कर सके तो इतों का जो जयपुर का राजा जय सिंह उसके जिम्मे भी लगाया से औरंगजेब ने कि किसी तरीके दे नाल इन्हां नूं दिल्ली बुलाओ। हुण सत्संग दी संगतां करके गुरु पातशाह नूं जाणा पिया ते संगतां दे प्यार नूं गुरु पातशाह बोल नहीं सकते सन ते जदों जा रहे ने रस्ते दे विच पंजो खराज स्थान है अंबाला दे नेड़े उत्थे जदों पहुंचे ने ते उत्थे विश्राम दे लई रुके ने ते सत्संग जी फिर आप बेशक इतिहास जानते हो पर जदों जदों गुरु पातशाह ने गुरपुरब आता है तो अस उसनों फिर याद करते हैं, याद करके अपने स्मृति मंडल में टिकाते हैं कि गुरु पातशाह ने इतनी छोटी अवस्था के गुरु पातशाह के कोल उस सारी शक्ति तो है ना तो वो उतों का लालचक पंडित है ज्ञान तो है उसको बहुत पर ज्ञान के नाल नाल अभिमान भी है भी मेरे जहाँ कोई ज्ञानी नहीं। हम सत्संग जो वो कहता है कि जो सुने कि कौन आए ने उत्थे ठहराव हो देखा सुनिया तो कहते गुरु हरकृष्ण साहिब जी कहते साडे कृष्ण भगवान हुए ने तुम अपने आप में गुरु हरकृष्ण साहिब जी सिखाते हो तो फिर गीता के कुछ श्लोक के अर्थ करके ही सुना दो। गुरु पातशाह कहते नहीं दसो ये कि वही गल है असी किते तो कहो कि हो सकता तुम गीता पढ़ी हो पर जिसनों कहो उसको बुला लिया उसको अर्थ करा देंगे। हूँ सत्संग जी उसको तो अभिमानी बंदे ना होंगे कोई ऐसा मौका मिल जाए उसको भी मौका मिल गया कहते छजो जीवन पे आया जो गुंगा भी है लैना भी है बोल भी नहीं सकता सुन भी नहीं सकता बेचारा उसको ले आया भी इस तो अर्थ करा लो। गुरु पातशाह अपने पास छड़ी रखा करते सन गुरु पातशाह ने कृपा दृष्टि के नाल वो छड़ी उस छजो जीवन के सिर पर रख दी कृपा दृष्टि हुई तो सत्संग जी वो बोलन भी लग पाया तो सुन भी लग पे। हुण सत्संग जी जदों गीता के विशेष जोड़े औखे श्लोक सन ना संस्कृत में रची गई है वैसे भी हम औखे तो औखे श्लोक है इसके अर्थ दसो तो जो उच्चारण खुद किया लालचंद पंडित ने तो कहते ने उस छजू जीवन ने जिसते हम कृपा दृष्टि हो चुकी है कहते उसने किया भी इसका पहले शुद्ध उच्चारण करो आप ही फिर उसका शुद्ध उच्चारण किया तो आप ही बड़ी सुंदर व्याख्या की लालचंद का सारा अभिमान जोड़ा है वो रघु चक्कर हो गया कहते बाद चरण नतमस्तक होया पर चार भी बनया। हुण सत्संग जो दिल्ली पहुंचे ने तो राजा जय सिंह के बंगले में जाके ठहरना सी तो उत्थे राजा जय सिंह की राणी ने कहते औरंगजेब ने कह रखा से तुसी परखना पहले पहले तुसी परखो फिर मैं परखा। हुण सत्संग उसनों के परखण का सुभाग समय ही नहीं मिलया गुरु पातशाह ने पिता गुरु की आज्ञा शिरोधार्य किया तो उसके मत्थे लगे नहीं कहते आप चल के औरंगजेब आया सी पर सत्संग जी गुरु पातशाह ने दरवाजा ही नहीं खोलिया। कौन है दुनिया के ऐसा समय का बादशाह आप चल के आवे तो उसको इस तरह नकार दिता जाए। हम सत्संग जी किस जिस वेले राजा जय सिंह की जो राणी है वो दासियों वाले कपड़े पा के बैठ जाती है तो दासियों को राणी वाले कपड़े पवा दिते जाते तो गुरु बाला प्रीतम जाके उस दासी रूप में बैठी राणी की गोद में बैठ जाते हैं कहते वे भाग उसने तो फिर बड़े प्यार सत्कार के नाल जो फिर कहते उन्होंने चरणा के उन्होंने मस्तक हो जाती है औरंगजेब को इस बात की खबर होती है तो उस वेले होर उसकी व्याकुलता जी बढ़ जाती है कि मैं वही दीदार करने वास्ते करने चाहिए ने तो बुला भी भेजा है पर गुरु पातशाह ने इनकार कर दिता है फिर आप चल के भी आया है पर उसका पुत्र जदों आया है गुरु पातशाह
महाराज ने उसके नाम संवाद भी रचाया है ते उसको एक तसल्ली भी हुई है। उस रब दे रंग कुदरत दे रंग जो पावन भक्ति अरदास विच आपां रोज पढ़ते हाँ श्री हरकृष्ण त्यागी जिस डिठे सब दुख जाए जिन्हां दे दीदार मात्र दे नाल सारे दुख जड़े हैं ना पूजा करो जाते हैं। उस वेले महामारी चेचक फैली हुई है दिल्ली दे विच फैल गई है रोगी तड़प रहे हैं जिवें गुरु पातशाह दे दीदार करते हैं तिवें तिवें उन्हां दे दुख दूर हो जाते हैं ते सत्संग जो ओ गुरु पातशाह का शुकराना करते हुए स्वस्थ हो के घर जाते हैं। रोगियों की तादाद बढ़ती गई है ते हुण गुरु पातशाह ने अपने चरण बाहू जी नूं आपां आखदे हां ओ एक चौबच्चा जो बना के उस दे विच अपने जड़ पा के वो जल जिहड़ा है वह लैना शुरू कर दिता रोगियों ने उन्हां दे रोग दूर होने शुरू हो गए। महामारी सी वैसे इलाज नहीं सी उस समय तक बनिया इस बीमारी का। हुण सत्संग जीओ इस रोग की गिरफ्त विच गुरु पातशाह भी आवे बाला प्रीतम भी आवे। हुण सत्संग अपना अंतिम समा नज़दीक वेख के गुरु पातशाह यमुना किनारे गए उत्थे ज्योति जोत समाण तो पहले बाबा बसे ग्राम बकाले ये ऐलान किया संकेत किया है। गुरु तेग बहादुर साहब जी अजे प्रगट रूप में नहीं आए सन ओ बाबा बकाला गाँव जो है उस पिंड जो है एक समाधि की अवस्था में सन 20 साल तो करीब उत्थे तपस्या ही कर रहे सन क्योंकि सत्संग जी उन्होंने भी बहुत महान कार्य करना सी ते उसके लिए बहुत वड्डी तपस्या की लोड़ सी ते गुरु छेवें पातशाह जो नौवें पातशाह के पिता जी ने उन्होंने गुरता गद्दी अपने इस पुत्र नूं हर पक्षों योग भी जानते सन पर अजे नहीं दिती सी क्योंकि उसके लिए जो कार्य उन्होंने सिद्ध करना सी उसके लिए बहुत वड्डी तपस्या की लोड़ सी। उस तो पहले सत्तवें पातशाह गद्दी मिली है जो उन्होंने पोतरे ने फिर उस तो बाद बाला प्रीतम को मिल गई है जो पड़पोतरे ने हुण जाके गद्दी मिल रही है गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सपुत्र ते संकेत किया है बाला प्रीतम 8वें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने बाबा वसीक राम बकाले क्योंकि नाते विच बाबा लगते हैं। हुण सत्संग जीओ गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने गुरता गद्दी एक तरह के नाल दे के ते आप ज्योति जोत समा जांदे ने जिथे उच्च बच्चा बनिया सी जिस विचों वो जल लैके रोगी अपने रोगों का निवारण करते सन उत्थे अज बंगला साहिब गुरुद्वारा भी सुशोभित है जिते गुरु पातशाह रहे ठहरे ते वो जिहड़ा सरोवर बनिया होया है उच्च बच्चा जिहड़ा सरोवर रूप दे विच अज भी लखां श्रद्धालु उत्थे जाके बड़ी श्रद्धा भावना के नाल उस पातशाह नूं याद करते हैं पातशाह दे गुणगान करते हैं अरदासां करते हैं जोदड़ियां करते हैं इशनान करते हैं। हुण सत्संग बेशक तीर्थ इशनान कोई विशेष उसकी तवज्जो दे के नहीं किया गया पर उसके नाल उस नाम का प्रताप है प्रवाह है पानी का ते गुरु पातशाह की कृपा दृष्टि है वो चरण छू प्राप्त है इसलिए सत्संग जो अज भी कितों कितों लोग आके उत्थे इशनान करके उत्थे पाठ करके उत्थे दर्शन दीदार करके अज भी लोग मुक्त होंगे ने मन मंगिया मुरादा पाते हैं। ये वो दर है ये वो घर है जिथे दसम पातशाह ने गुरु पातशाह ने यह ऐलान किया है पावन पंक्ति दर्ज की है तो सत्संग जी अज भी जे असी समृद्धि मंडल में टिका के बाला प्रीतम के दीदार करिए बाणी विचों बाणी रूप विचों फिर सत्संग जी अज भी ये सारिया के दुख दूर करते हैं इसलिए सेवा दिवस के रूप में क्योंकि आप भी सेवा सेवा करते हुए आप भी उस रोग के गिरफ्त में आके आप ज्योति जोत समाए ने अज भी आप सारे गुरुद्वारे साहिबां विच जिते किते भी नाम लेवा गुरु नानक नाम लेवा संगतां ने वो किते किते जाके सेवा करदियां ने केवल इस दिन ही नहीं इस कौम नूं गुरु पातशाह की ऐसी कृपा ऐसी बख्शिश है जिथे भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है कोई ऐसा ऐसी कड़ी आती है कोई विकट परिस्थितियां बनती हैं इसे अपनी जान अते दुते रख के
तन मन तन दे नाल उहदी सेवा करन दे लई पहुंच जांदे ने। वाहिगुरु तौफीक बख्शे इस कौम नूं चढ़दी कला बख्शे, इसी तरह सेवा ते सिमरन विच लग के अपना इह मनुखा जीवन जो है उह सफल कर सकीए। वाहिगुरु सारिआं ते रहिमतां करे, बख्शिश करे, गुरु पातशाह दे दर्शाए मार्ग ते चल के साडा वी इह जीवन जो है सफल हो सके। कोई कड़ी प्यार दी गुरु इतिहास दी साडियां इन्हां चोड़ियां विच इस कदर साडे स्मृति मंडल इस कदर टिक जाण, वस जाण, जिस सदके ये लोग सुखिए पर लोग सुए ते नानक हथो आपे मेरी दिवसता बन सके। कुल्ला चुका लिखी मां बख्शियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।